चिकन करी के लिए सबसे पहले यहाँ पे चिकन को ले लिया गया है, उसको अच्छे से वॉश कर लिया गया है, उसका जो भी कचरा वगैरह गंदगी थी उसको निकाल के अच्छे से साफ़ करके एक बर्तन में ले लिया गया है। इसको मैरिनेट करना है अब हमें, तो ये एक जन के लिए बन रहा है इसलिए यहाँ पे इतनी ही पीस आपको दिख रहे हैं। अगर आपका परिवार लंबा है तो आप उसके परिवार के अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं इसको। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो मसाले ले रहे हैं वो देख लीजिए, यहाँ पे प्याज है, लहसुन की कुछ कलियाँ हैं, एक टमाटर है, हरी मिर्च है और अदरक का एक टुकड़ा है। तो ये मसाला आप इसको भी आप बढ़ा घटा सकते हैं, बट एक जन के लिए इतना काफ़ी है। और यहाँ पे मैंने प्याज को छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है और टमाटर को भी छोटे पीस में कट कर लिया है और जो हरी मिर्च थी उसको भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया है हमने। इसको चाहें तो हम पीस के भी डाल सकते हैं, बट इस तरीके से डालने से काफ़ी अच्छी ग्रेवी बनती है, थिक बनती है। और यहाँ पे देखिए सूखे मसाले में हल्दी पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, नमक है, तेज़पत्ता है और यहाँ पर चिकन पाउडर है, चिकन मसाला पाउडर वो हमने यूज़ किया है। नॉर्मल मसालों से ही ये बनता है, देसी चिकन बहुत ही अच्छा बन जाता है इतने ही मसालों में, बहुत ज़्यादा बाहरी मसालों की ज़रूरत नहीं है। जो मसाले मैंने अभी आपको दिखाए हैं सब मसाले इसमें डाल के मैरिनेट कर लेना है और इसको मैरिनेट दही से करना है, क्योंकि दही जो है वो फ्लेवर भी बढ़ाता है और काफ़ी अच्छा कलर भी देता है आपके चिकन में। तो इन मसालों को इसमें ऐड कर लीजिए और नमक भी इसी के साथ हमें डाल लेना है। ये बहुत ही ईजी होता है और बहुत ही टेस्टी बनता है देसी स्टाइल चिकन। और यहाँ पे देखिए मैंने दही लिया है, दही मैं थोड़ा सा ही ली हूँ क्योंकि यहाँ पे जो मेरा चिकन का पार्ट है वो बहुत कम है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लिया है। और ये लहसुन और उसका अदरक का पेस्ट है, सभी को इसमें मिला के अच्छे से पेस्ट बना लेना है इस तरीके से। और हमारा जो पीस है इसको भी इसमें अच्छे से डिप कर देना है और इसको कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए और इसमें ये मसाले अच्छे से लिपट जाएँ। उसके बाद हमें चलना है तेल की तरफ, तेल हमारा गर्म हो गया है और आज हम कुकर में बना रहे हैं तो कुकर में ही तेल हमने डाला हुआ है। आप चाहें तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, बट कुकर में बहुत ही इजीली पक जाता है चिकन। तो तेल हमारा गर्म हो गया है और उसमें हमने तेज़पत्ता भी डाल दिया है, तेज़पत्ता जैसे ही हमारा कलर छोड़ दे उसके बाद हमें इसमें सारे मसाले जो मैंने बना के रखा था वो डालना है। तो आप देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। पहले हमारा तेज़पत्ता अच्छे से कलर छोड़ देगा, मतलब इसका कलर जब चेंज हो जाएगा उसके बाद ही हमें इसमें दूसरा सामान डालना है। तो यहाँ तेज़पत्ता हमारा कलर अच्छे से बदल दिया था, उसके बाद हम यहाँ पे जीरा डाल रहे हैं, जीरा हमारा क्रैक हो जाएगा फिर उसके बाद आगे का जो भी सामग्री इसमें है वो पड़ेगा। तो अभी ये देखिए जीरा हमारा क्रैक होना शुरू हो गया है क्योंकि तेल काफ़ी गर्म था। इसमें बाहरी से आपको कोई भी मसाले यूज नहीं करना है, जो मसाला मैंने मैरिनेट किया हुआ है बस उतने में ही ये पक जाएगा और आपको पानी डालने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी मसाले में ये बहुत ही अच्छे से पक जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। गाइस इस तरीके से आप बनाइएगा एक बार और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। बहुत ही इजी बनता है, बहुत ही कम सामान में बनता है, बहुत आपको बाहर से कुछ भी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपके जो घर में मसाले हैं उसी से आपका ये चिकन करी तैयार हो जाएगा बनके। और यहाँ पे देखिए हमारा तेज़पत्ता और जीरा दोनों अच्छे से पक गया है तेल में। उसके बाद हम जो कट करके प्याज रखे हुए थे छोटे छोटे पीस में उसे डाल देना है इसमें और अच्छे से पकाना है जब तक ये जो प्याज है वो लाइट ब्राउन ना हो जाए, तब तक इसको अच्छे से पकाना है। इसको पकाने में थोड़ा टाइम लग सकता है बट जितना अच्छे से ये पकेगा उतना अच्छा हमारा जो पीस होगा चिकन का वो गल जाएगा इसके साथ ही। और ये देखिए इसी के साथ हम हरी मिर्च भी ऐड कर दिए हैं और ये दोनों हमारा अच्छे से पक रहा है। इसका कलर भी आप देख सकते हैं हल्का सा चेंज हो गया है। और यहाँ पे उसी के साथ हमने टमाटर भी डाल दिया छोटे छोटे पीस में करके, जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था वो टमाटर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको भी इसी में भूनना है। और इसी के साथ 2 लहसुन की कलियाँ नहीं कह सकते, इसको फ्लावर कहते हैं, लहसुन का पूरा फ्लावर ही इसमें डाल दिया गया है क्योंकि इस तरीके से आप बनाएँगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और इसका फ्लावर अलग से खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है गाइस, तो इसको अलग से आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सारे हमारे जो मसाले हैं वो तेल छोड़ दिए हैं, तेल तली में लगने लगा है और अब यहाँ पर जो है आगे का प्रोसेस शुरू होगा। और यहाँ पे जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था पीस चिकन का उसे भी इसमें ऐड कर देना है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से इसमें मसाले लिपट गए हैं, तो इसको भी इसमें डाल के अच्छे से फ्राई करना है इसी के साथ ताकि ये मसालों के साथ अच्छे से मिल जाए। ये देखिए कलर कितना अच्छा लग रहा है इसका, अभी से पकने के बाद क्या होगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है इसका गाइस और बहुत ही ईजी होता है बनाना। इसको बहुत ज़्यादा आपको इसमें तामझाम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ये देखिए इसमें पानी डालने का भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी मसाले में काफ़ी अच्छा ग्रेवी भी तैयार हो जाता है और अच्छे से ये पक भी जाता है। इसको आपको बस भूनना है, भूनने में थोड़ा आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इसमें। और
और यहाँ पे देखिए कि आप लोग देख ही सकते हैं कि जो इसका पीस है वो ऑलमोस्ट पक गया है, आपको देखने में ही पता चल रहा है। देखिए मैं कलछी से आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ये थोड़ा सा पका हुआ लग रहा है, बट इसमें थोड़ा सा भी टाइम आपको और देना है, ज़्यादा टाइम नहीं, मुश्किल से 10 मिनट का टाइम इसमें और लगेगा। और यहाँ पे देखिए हमारा चिकन करी बन के रेडी हो गया है। इसका जो ग्रेवी है आप लोग देख ही सकते हैं, जैसे लग रहा है इसमें आपने पानी ऐड किया हुआ है, बट इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं हुआ है, उसी मसाले में ये पक गया है। और काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा था उस टाइम जब मैं ये बना रही थी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और कलर तो आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। और ये देखिए हमारी चिकन करी बनके रेडी हो गई है, कितना अच्छा कलर आया है आप लोग देख सकते हैं गाइस, और काफ़ी टेस्टी लग रहा था। इसका ग्रेवी आप देख सकते हैं, जैसे लग रहा है अलग से इसमें पानी मिलाया गया हो, बट इसमें उसी ग्रेवी से ही ग्रेवी बना है और बहुत ही टेस्टी बना है। तो इस तरीके से आप बनाएं और हमें फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। और अब मैं मिलती हूँ किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अंजलि सिंह को दीजिए विदा, बाय बाय।